जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, धारा 370 जब से हटी है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से इस पर राजनीति भी बहुत हुई है और हाल ही के अंदर ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका लगी है और उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो रहा है जो धारा 370 से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में बहुत से लोगों के मन में प्रश्न जरूर आता है कि क्या कश्मीर के अंदर फिर से धारा 370 लागू हो जाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई निर्णय कर देगा, आखिर क्या होगा, इस पर ज्योतिष आकलन क्या कहता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं इसी बात पर आपको एक ज्योतिष आकलन दे रहा हूं कि जो धारा 370 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका लगी है, वर्तमान में ग्रहों की परिस्थिति, उसे किस तरह से उसका पक्ष या विपक्ष लेगी या उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा, उसका एक ज्योतिषीय आकलन मैं आप लोगों को जरूर दे रहा हूं। दर्शकों, वर्तमान के अंदर शनि वक्री है और गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है। ऐसे में गुरु चांडाल योग के प्रभावी ये होते हैं कि व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपनी बात को रखता है या सुनता है या समझता है, यानी कि कोई आपको कुछ कह रहा है, आप उसका कुछ मतलब और निकाल रहे हैं, या आप कहना कुछ चाहते हैं लेकिन सामने वाला आपकी उस बात को वैसे नहीं ले रहा है। यही प्रभाव होता है गुरु चांडाल योग का। ऐसे में वर्तमान के अंदर जो धारा 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक याचिका दायर हुई है, इसको यदि आप शनि की कार्यप्रणाली के साथ जोड़ करके देखेंगे तो इसको आप ऐसे समझिए कि संसद के अंदर कानून पास किया गया, दोनों सदनों के अंदर उसकी सहमति बनी है और उसके बाद राष्ट्रपति के आदेश के बाद में वो सब चीजें लागू हुई हैं और इससे बड़ा और कोई लोकतंत्र के अंदर विधान नहीं है जहां आप किसी चीज को वापस कैंसिल कर सके या रिवर्स कर सके। हाँ, कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो फिर अपने बहुमत के आधार पर कुछ नया कानून ला करके उसको लागू करती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन वर्तमान के अंदर ग्रहों की परिस्थिति ऐसी नहीं है जो कोई बहुत बड़ा उलटफेर इस समय पर करवा दे। लेकिन दर्शकों, शनि की कार्यप्रणाली है और मैंने आपसे कहा है कि शनि लेश मात्र भी कोई संशय नहीं रखते हैं। ऐसे में जो लोग अभी तक बातें करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम धारा 370 लागू करेंगे या कश्मीर के अंदर इस तरह के नारे देते हैं ताकि उन्हें वोट मिले, तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का भी इस संदर्भ में कोई वर्डिक्ट आएगा कि धारा 370 सही है, कानून का इसमें कहीं कोई उल्लंघन नहीं है और पूरी प्रक्रिया को इसमें अपनाया गया है और इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी तरह के संदेह करने की, तो उसके पश्चात धारा 370 को लेकर के हिंदुस्तान में तो कहीं पर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचेगा जो भविष्य में इसे लागू करने की ताकत रखता हो। यानी संवैधानिक तौर पर धारा 370 को हटाया जा चुका है, राष्ट्रपति के आदेश से ये चीज लागू हो चुकी है, फिर भी कहीं ये लगता है कि कहीं किसी नियम का उल्लंघन किया गया है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मोहर लगा देगा तो उसके पश्चात ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा रहेगा ही नहीं और इस पर किसी भी तरह का कोई दल, कोई सत्तारूढ़ दल या विपक्ष या कोई राजनीतिक पार्टी किसी भी तरह से आने वाले समय के अंदर राजनीति नहीं कर पाएगी। इसीलिए शनि चूंकि भविष्य के अंदर किसी भी तरह के विवाद को वो बाकी ही नहीं रखेंगे, इसीलिए शनि की कार्यप्रणाली है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर होती है और इस याचिका के अंदर भी ऐसा कुछ भी फैसला नहीं आएगा जो धारा 370 को दोबारा लागू करने के संदर्भ में या इसे असंवैधानिक कहने के संदर्भ में कोई वर्डिक्ट हो। यानी सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले उसी तरह के होंगे जैसे रफाल के अंदर आपने देखा था जहां पर इसे सही ठहराया गया था। उसके बाद आपने नोटबंदी पर भी आपने देखा था किस तरह से याचिका लगाई गई थी। तो ये एक
प्रक्रिया है, लोग अपनाते हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन शनि की कार्यप्रणाली के अंदर अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो पुख्ता होता है, उसमें कहीं कोई लेश मात्र की कोई गुंजाइश नहीं होती है ताकि भविष्य में दोबारा से उसके संदर्भ में कोई मतभेद हो सके। ये शनि की कार्यप्रणाली है और इसी के संदर्भ में ये सब कुछ हो भी रहा है। भविष्य के अंदर धारा 370 को लेकर के किसी भी तरह का कोई राजनीतिक प्रपंच बाकी ना रहे, उसी के लिए सब कुछ हुआ है। जैसे आपने राम मंदिर के लिए देखा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हर दल को मानना पड़ा और राम मंदिर बन भी रहा है। दर्शकों, इसीलिए शनि की कार्यप्रणाली के अंदर जब भी कोई चीज होती है वो स्थायी होती है और हमेशा उसके परिणाम न्याय के पक्ष में होते हैं। इसीलिए दर्शकों, जितने भी अभी ये मैटर आप देख रहे हैं, चाहे ज्ञान में आपकी मस्जिद का हो, चाहे राम मंदिर का हो, ट्रिपल तलाक का हो, और अभी आपने धारा 370 के ऊपर देखा, ये सारे के सारे प्रकरण इस समय पर इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि शनि भविष्य में इनमें से किसी भी विवाद को बाकी ही नहीं रखेगा। इसीलिए इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट पे अगर इसमें कुछ आती है तो वो धारा 370 के पक्ष में होगी, यानी कि जो भी किया गया है कानून के दायरे में किया गया है, संवैधानिक तरीके से किया गया है और इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को अपना हस्तक्षेप करना पड़े। इसी तरह की परिस्थिति भविष्य में बनेगी धारा 370 की इस याचिका को लेकर के। इसीलिए दर्शकों, एक ज्योतिषीय आकलन था मेरा, ग्रहों की परिस्थिति को मैंने अच्छी तरह से एनालिसिस करने के बाद में क्या परिणाम बनते हैं उसके संदर्भ में आपको एक आकलन दिया है। कारण, वर्तमान में उसकी स्थिति और भविष्य में उसके संदर्भ में क्या निर्णय होगा, इसका एक ज्योतिषीय आकलन मैंने आप लोगों को दिया है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।